हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, साथ तेरा कभी भी ना छोड़ेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस 99 में। दोस्तों मैं आपका दोस्त आर के कुशवाहा। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इसका दोस्तों आज पार्ट 1 है, साथ बने रहिएगा। दोस्तों इस लेक्चर के अंदर कुछ इसने टिपिकल सवाल आपको बताऊंगा बहुत इजी कॉन्सेप्ट से, और ट्रिक भी बहुत ज़बरदस्त होगी दोस्तों। तो याद रखना, आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे उसके बाद ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, कहता है कि एक स्कूल में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक है तो स्कूल में कुल कितने लड़के हैं। तो दोस्तों ये जो रेशियो दिया है 4:5, ज़रा ध्यान से देखना, स्कूल में लड़कियों तथा लड़कों का, यानी सबसे पहले लड़कियां, उसके बाद दोस्तों ये लड़के। तो दोस्तों आगे वाला जो रेशियो यानी 4, वो दोस्तों गर्ल्स का होगा, और दोस्तों जो ये बॉयज़ का होगा। दोस्तों सवाल कहता है कि 4:5 है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक, तो वो तो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि लड़कियों का रेशियो 4 है, लड़कों का रेशियो 5 है, यानी इस रेशियो में कितने का अंतर है, यानी लड़कों का रेशियो से लड़कियों के रेशियो से कितना अधिक है दोस्तों, कितने यूनिट अधिक है। तो देखने से पता चल रहा होगा दोस्तों, एक यूनिट अधिक है। कितने यूनिट दोस्तों? एक यूनिट, क्योंकि 4:5 बना, यानी लड़कों का रेशियो लड़कियों की रेशियो से एक यूनिट अधिक है। और ये और सवाल के मुताबिक कितना अधिक है दोस्तों? 200, यानी एक यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है। एक यूनिट 200 के बराबर। क्वेश्चन कहता है कुल कितने लड़के हैं, अगर एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 200 है तो लड़के कितने यूनिट है? 5 यूनिट। अगर एक यूनिट 200 तो दोस्तों 5 यूनिट का मान क्या होगा? 5 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों? 5 × 200, यानी दोस्तों 2×5 = 10, यानी दोस्तों 1000, यही हमारा आंसर। यानी दोस्तों टोटल लड़के कितने हैं स्कूल में? 1000। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है, कहता है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 450 अधिक है, तो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं दोस्तों? जरा ध्यान से देखना, 5:2, यानी दोस्तों लड़के और लड़कियों, तो सबसे पहले दोस्तों लड़के हैं, उसके बाद दोस्तों क्या है? लड़कियां। यानी दोस्तों पहला वाला जो रेशियो है 5, वो दोस्तों किसका होगा? लड़कों का। और जो सेकेंड यानी दोस्तों 2, वो किसका होगा? लड़कियों का, गर्ल्स, वॉइस गर्ल्स। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 450 अधिक, तो वहां पर दोस्तों कितनी अधिक है लड़कों की संख्या? 450। तो यहां पर हम देखेंगे कि लड़कों का जो रेशियो है वो लड़कियों के रेशियो से कितने यूनिट अधिक है दोस्तों? तो जो ध्यान देखने से पता चल रहा है दोस्तों, ये 2 यूनिट है, यानी ये 5 यूनिट है दोस्तों, तो कितना अधिक है? 3 यूनिट। दोस्तों लड़कों का जो रेशियो है वो कितना अधिक है? 3 यूनिट। कितना दोस्तों अधिक है? 3 यूनिट। अब दोस्तों सवाल के रेशियो के हिसाब से दोस्तों 3 यूनिट अधिक है, लेकिन सवाल के हिसाब से लड़के कितने अधिक हैं? 450। यानी दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू रहेगी 450। अगर 3 यूनिट 450, तो जाहिर सी बात है कि 1 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों? अगर 3 यूनिट 450 तो 1 यूनिट का मान होगा दोस्तों 3×3 = 15, 3×45, यानी दोस्तों 150। अब दोस्तों टोटल लड़का और लड़कियाँ कितने यूनिट हैं दोस्तों? 5 यूनिट लड़के हैं, 2 यूनिट लड़कियां हैं। दोस्तों टोटल कितना यूनिट बना? 5 और 2 = 7, टोटल छात्र हैं 7 यूनिट। टोटल दोस्तों छात्र कितने हैं? 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 7 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों? 7 × 150, यानी दोस्तों 15×7 = 105, 1050। टोटल छात्र दोस्तों कितने हैं? 1050। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है, कहता है कि एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर की कीमतों में 9:2 का अनुपात है, यदि घड़ी की कीमत कैलकुलेटर से 630 रुपये अधिक है तो घड़ी की कीमत कितनी है दोस्तों? बहुत ईजी सवाल है, जरा ध्यान से देखना। अब सबसे पहले दोस्तों रेशियो 9:2 है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है? घड़ी, उसके बाद दोस्तों क्या है? कैलकुलेटर। यानी दोस्तों आगे वाला रेशियो ये घड़ी का है 9 और 2, ये दोस्तों किसका है? कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर का है दोस्तों।
अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि घड़ी का जो रेशियो है वो कैलकुलेटर से कितने यूनिट अधिक है दोस्तों, 2-7 यूनिट का अधिक है दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेटर का रेशियो 2 है और घड़ी का यूनिट 9 है, यानी यहाँ दोस्तों ये कितना अधिक है, 7 यूनिट दोस्तों, कितना अधिक है, 7 यूनिट। अब हमारे हिसाब से दोस्तों घड़ी का यूनिट 7 यूनिट अधिक है, लेकिन सवाल के मुताबिक दोस्तों कितना मतलब घड़ी का मूल्य कितना अधिक है दोस्तों, 630 रुपये, घड़ी की कीमत कैलकुलेटर से 630 रुपये अधिक है सवाल के अकॉर्डिंग। दोस्तों 7 यूनिट की वैल्यू रहेगी 630 के बराबर, अगर 7 यूनिट 630 है तो दोस्तों 1 यूनिट क्या होगा, 7 × 63 यानी दोस्तों 90 रुपये, 1 यूनिट दोस्तों क्या होगा, 90 रुपये। अगर दोस्तों 1 यूनिट 90 रुपये, क्वेश्चन ये कहता है घड़ी की कीमत क्या है, घड़ी का रेशियो दोस्तों कितना है, 7 यूनिट, अगर 1 यूनिट 90 रुपये है तो सॉरी घड़ी का रेशियो दोस्तों 9 यूनिट, अगर 1 यूनिट 90 रुपये है तो दोस्तों 9 यूनिट क्या होगा, 9 यूनिट क्या होगा वो दोस्तों, जाहिर सी बात है अगर 1 यूनिट तो दोस्तों 9 यूनिट क्या होगा, तो 9 यूनिट दोस्तों क्या होगा, 9 × 90 यानी दोस्तों कितना आंसर आएगा, 9×81 810 रुपये, 810 रुपये यही दोस्तों हमारा आंसर, और घड़ी का यही दोस्तों मूल्य है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, हम आपके पास एकदम बहुत वीआईपी तरीका से वीडियो भेजते रहेंगे, बस दोस्तों आप सपोर्ट करते रहिए, थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही।